नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां महिलाओं के सहारे दुष्कर्म का आरोप लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को जंगीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिला भी शामिल है। पुलिस हिरासत में लिए गए ये सभी अभियुक्तगण से पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गिरोह के कुछ फर्जी पत्रकार भी गिरोह में शामिल है। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रेस वार्ता कर पुलिस कप्तान गाजीपुर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकटिया पुल के पास से अजय सिंह, अमन तिवारी, आदित्य कुमार समेत 2 महिलाओं को ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। एक सूचना जंगीपुर के एक व्यापारी ने पुलिस को दी थी कि उसके यहाँ दवा का काम करता है वो, उसके यहाँ अभी 2 दिन पहले एक महिला आई दवा लेने के प्रटेक्स पर। उनके यहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं उनके क्लिनिक में, और जैसे ही दवा दुकान मालिक उस क्लिनिक के कमरे में गया, 2 लोग बाहर से आए और उन्होंने जैसे न्यूज़ चैनल की आईडी होती है वो सामने लगा के उसको डराने और दबाव में लेने का प्रयास किया कि तुम्हारे यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा है और ये लड़की सेक्स रैकेट में ही आई हुई है। इससे परेशान होकर वो तमाम प्रयास करता रहा उनसे सेटलमेंट के। हार कर उसने कल पुलिस को सूचना दी कि मेरे ऊपर बराबर दबाव पड़ रहा है, 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया उचित धाराओं का, और एक संयुक्त टीम बनाई गई कोतवाली और जंगीपुर की, जिससे कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और पत्रकार समाज को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका भंडाफोड़ किया जाए। जब पुलिस ने इनको राउंड अप किया, जब ये पैसा लेने के लिए आए हुए थे, वादी ने सीधे इनसे बात की थी, तो गहराई से पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि इनके साथ शादियाबाद क्षेत्र के 2 लोग, मऊ का एक, और 2 महिलाएं हैं जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रैकेट चलाती हैं, गैंग चलाती हैं, जिसमें लोगों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे लोग जिनका सेक्स रैकेट से कोई मतलब नहीं है, वो व्यापारी हैं या किसी और व्यापार में संलग्न हैं, उनको धोखे से इन महिलाओं के साथ कैप्चर करके और उनसे पैसा वसूलने का काम कर रहा है ये गैंग। ये भी जानकारी में आया है कि गाजीपुर और मऊ में कुछ लोगों से इन्होंने पैसा वसूल भी लिया है, उसके संबंध में भी गहराई से जानकारी हासिल की जा रही है। विवेचना के दौरान हम न केवल इन गैंग के सदस्यों का जो इंटर लिंकेजेस है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, बल्कि सूचना विभाग के माध्यम से हम इनको वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि इनके पास प्रेस के कुछ कार्ड मिले हैं, हम उसके संबंध में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसलिए कूट रचित है क्योंकि जो इसका मुख्य अभियुक्त अजय सिंह पकड़ा गया है, उसकी फ़ोटो लगा के एक अन्य नाम का एक प्रेस का कार्ड मिला है, जिससे स्वतः प्रमाणित होता है कि यह फोर्ज है, लेकिन इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। संवारे अपना भविष्य इंदुप्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदुप्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।